अमृत बुटीक सेवा संस्थान एक फिर से आपका स्वागत। मैं गुरु जी गोविंद आज लेके आए एक नई औषधि। आज जो औषधि है इसका नाम है बावजी। इसे सोमा कृष्णा और पेट के कीड़े नाशी के नाम से भी जाना जाता है और भी कई जगह पे इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। बावजी की अगर हम बात करें तो ये ठंडा होता है और ये खाने में तीखा होता है, कड़वा होता है और एक रासायनिक है बावजी। ये देखिए आप, ये है बावची। इसके दाने देखिए, ये हल्के काले और थोड़े से कत्थे से कलर में मिलते हैं। ये हर जगह जंगलों में तो नहीं मिलते, लेकिन कहीं कहीं इन जंगलों में इनके पेड़ मिलते हैं जिससे ये बीज प्राप्त होते हैं। बावची की अगर हम बात करें तो ये कई रोगों में काम आता है। दमा, जैसे श्वास, वीर्य विकार, रक्त खून और भी सफेद कुष्ठ रोग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बावजी का आज हम आपको एक दुर्लभ और कुछ अनोखा प्रयोग बताने वाले हैं जी। ऐसा रोग जो जैसे ठंडे पानी में या कहीं भी पानी में ज़्यादा काम करते हैं या नमी वाले स्थान में रहते हैं, उनको देखा जाता है कि अकौता या फिंगर के पास जो नाखून होते यहाँ पे घाव टाइप से हो जाते हैं। इन घावों में पीप बनने लगती है जो फोड़ा हो जाते हैं, ठीक है, और इसी को हम आकोता कहते हैं। आकोते के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है, इसका प्रयोग करके देखिए मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ आपको। बावची को लेना है, कम से कम 25 ग्राम बावची को लेने के बाद इसको अच्छे से पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर में सरसों के तेल में इसको पका लीजिए। अब जो तेल प्राप्त होगा हमको, इस तेल को हमको जहाँ आपको फोड़ा यानी जो नाखून के पास घाव हुए हैं जो पीप बनने लगती है, इसे आकोता कहते हैं, यहाँ पर आपको इस तेल को लगाना है। इससे आकोता फोड़ा जो होता है वो पूरी तरीके से कुछ दिन में ठीक हो जाता है। ये बहुत ही अनोखी औषधि है। अब हम बात करते हैं इसका सफ़ेद कुष्ठ सफ़ेद दाग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सफ़ेद दाग में जो जिस प्रकार प्रयोग है कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं एक छोटा सा सरल और अच्छा प्रयोग बताने वाला जो हानि रहित है। इसे कोई भी प्रयोग कर सकता है और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बावची लेना है, बावची को कम से कम 250 ग्राम बावची लेने के बाद इसको अच्छे से पीस लीजिए और एक मिट्टी की हांडी या मटके में इसको रख दीजिए। अब इसमें पानी मिला दीजिए और में उसी में दूध डाल के दही जमा। अब जो हमें दही प्राप्त होगा उस दही का हमें घी निकालना है। अब इस घी को जो हमें प्राप्त हुआ है जो शिशु सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग है, अगर वो मनुष्य इसका प्रयोग करता है तो उसके सफ़ेद दाग में उसको इस घी का बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है और सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग बहुत ही जल्दी नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग करने से उनका यह रोग बहुत ही जल्दी ठीक होने लगता है और उन्हें अच्छे परिणाम दे।